छिंदवाड़ा में पुलिस ने अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने अवैध शराब और गांजा के साथ कई तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने भी टीम की जो है पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। नशा तस्करों पर सिकंजा तस्करों पर गिरफ्तार भी किया गया। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। जैसे कि पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश है कि शराब गांजे पे भी प्रभावी कार्रवाई हो, तो कल हमको सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है गांजा लेकर और बेचने की फिराक में घूम रहा है और यह बस स्टैंड जल बगीचा के पास जो है बेचने की फिराक में है। सूचना एकत्रित करके हमारा पुलिस दल जो है उपनिरीक्षक जितेंद्र यादव के नेतृत्व में जाके रेड कार्रवाई करता है, तो गगन पिता राकेश ध्रुवे 22 वर्ष निवासी नरसिंहपुर नाका, इसके कब्जे से लगभग 2 किलो 200 ग्राम गांजा अवैध रूप से गांजा इस मिला है। और ये गांजा कहाँ से लाया है इसके बारे में पूछताछ की जा रही है, किंतु यह जो है इसी कब्जे में गांजा मिलने से हमने NDPS एक्ट के तहत प्रावधानों का पालन करते हुए और ये कार्रवाई किया है। और इसमें आगे और सूचना एकत्रित कर रहे हैं कि गांजा कहां से आया, कहां सप्लाई करने जा रहा था, कैसे बेच रहा था।